हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज अपन लोग यूनिट सेकंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकंड का ये सेकंड लेक्चर आपका होने वाला है। अपन लोगों ने इसके पहले लेक्चर में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ा था, स्किन के बारे में पढ़ा था, और आज पढ़ने वाले हैं अपन लोग स्केलेटल सिस्टम। आप लोग जो भी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई गई हैं, फर्स्ट यूनिट के सारे लेक्चर आपके हो चुके हैं, फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है। ये आपका सिलेबस है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ये आपका सिलेबस है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, और उसके साथ ही बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का भी। तो आप लोगों को चलिए स्टार्ट करते हैं और स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सारी चीज़ें आप ध्यान देते हुए चलेंगे, जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो शायद आपको किसी बुक में ना मिले, तो उस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे बात आती है पहले कि स्केलेटल सिस्टम है क्या, यही चीज़ अपन लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही आता है कि जो अपन लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का मतलब क्या है। जो आपके बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, जिससे आप जैसे भी चलते हैं फिरते हैं, जैसे आप दिखते हैं, जो भी आपके बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, वही चीज है स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो डिसाइड हो रहा है वो उसमें कई चीजें आती हैं, जैसे कि बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गए, लिगामेंट्स हो गए। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके बॉडी के इंटरनल फ्रेमवर्क को बनाती हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारी डिफिनीशंस अपन लोग देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। ए बोन इज मेड अप ऑफ सेवरल बोन टिश्यू, ठीक है। आपका बोन आता है, आपके स्केलेटल सिस्टम का जो सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये बोन होती है, ठीक है। टिश्यू ऑफ द सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग बोन, कार्टिलेज, टेंडांस, लिगामेंट्स एंड अदर टिश्यू। ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं आपका बना रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। और जैसे कि यहाँ पर एपिथीलियम, एडिपोज और नर्वस टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइड टू द सिस्टम थ्रू ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम को जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, ब्लड वेसल्स से। आप लोग जानते हैं कि आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर हो रहा है, आपकी सेल्स तक जो कुछ भी पहुंच रहा है, सारी चीज़ें कौन करता है, ये सब कुछ आपकी ब्लड वेसल्स से ही होता है। दैट आर कंटेंट विद इन सेंट्रल कैनाल्स ऑफ द बोन, जो कि बोन्स के सेंट्रल कैनाल्स में होकर जाती हैं। जो आपका स्केलेटल सिस्टम है ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है, स्टोर कर रहा है मिनरल्स को, फैट्स को, और प्रोड्यूस कर रहा है ब्लड सेल को। आप लोग जानते होंगे कि आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब कहाँ पर बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। अब वहाँ पर दो तरीके की बोन मैरो होंगी, आपकी रेड बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो होती है। जो आपकी रेड बोन मैरो होती है वहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन सब का फॉर्मेशन होता है। जो आपकी येलो बोन मैरो होती है उनके बारे में भी क्या होता है, वहाँ पर फैट वगैरह आपका होता है, अभी आगे अपन लोग पढ़ेंगे, इस पीडीएफ में आपके दिया गया होगा। उसके बाद क्या आता है, अगला पॉइंट आता है ऑस्टियोलॉजी। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है, दैट डील्स द बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पर अपन लोग क्या चीज़ करते हैं, इस कहीं पर आपका डिफिनीशन पहुंच सकता है कि ऑस्टियोलॉजी क्या है। इसकी जब डिफिनीशन आएगी तो आप लिखेंगे कि साइंस की वो ब्रांच है जहां पर अपन लोग क्या करेंगे, जो आपके स्केलेटल सिस्टम की बोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है, अब स्केलेटल सिस्टम का आपके बॉडी में क्या फंक्शन है। पहले ही मैंने आपको बताया कि आपके इंटरनल फ्रेमवर्क को बना रही है, तो जरूर ही ये आपको सपोर्ट दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही, जो भी आपके बोन्स के अंदर में जो भी आर्गन होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, जितने भी आपके आर्गन हैं, कहीं ना कहीं एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना है, उसी में क्या है, सारे आर्गन आपके रखे हुए हैं। तो क्या कर रहा है ये बोन, ये स्केलेटल सिस्टम आपका क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा रहा है, कहीं ना कहीं ये मूवमेंट भी आपको प्रोवाइड करवाता है। तो सारी चीज़ें चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो सपोर्ट में देखिए लिखा गया, इट सर्व एज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर टेंडांस आप मोस्ट स्केलेटल मसल। आगे चलिए प्रोटेक्शन के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा गया, द स्केलेटल प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, इंजरी से आपका बचा रहा है आपको प्रोटेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो आपकी क्रेनियल बोन होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी बोन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वर्टिब्रल प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, वर्टिब्रल आपकी किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं। जो थोरैसिक केज है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट और लंग को। ही मैंने अभी आपको बताया भी, जो आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में क्या है, आपकी थोरैसिक केज में क्या है, प्रोटेक्टेड है। चलिए अब आगे चलते हैं। असिस्ट मूवमेंट, मूवमेंट भी करवा रहा है आपका स्केलेटल सिस्टम। मोस्ट स्केलेटल मसल्स
अटैच टू बोन्स एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाई पुलिंग ड्यू टू दियर कॉन्ट्रेक्शन, इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा और मूवमेंट होगा। फिर यहाँ पर अगला जो प्रोसेस आता है वो है आपका क्या, मिनरल होम्योस्टेसिस। ठीक है, यहाँ पर आपका होम्योस्टेसिस होगा, जो मिनरल्स होंगे उनको बैलेंस किया जाएगा। बोन टिश्यू स्टोर सेवरल मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस आपके बोन में होते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपकी जो बोन होती है उसमें मेनली जो मिनरल होते हैं कौन से होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। व्हिच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ बोन, जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं। बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कैल्शियम और फास्फोरस से ही होती है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगली क्या चीज़ फंक्शन है इसका आपके स्केलेटल सिस्टम का, ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है वो भी आपके कहाँ पर होता है, स्केलेटल सिस्टम में ही हो रहा है। कौन सा वो पार्ट है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ब्लड बोन मैरो इज द टिश्यू कंपेयरिंग द सेंटर ऑफ लार्ज बोन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगी, लार्ज बोन्स होंगी। दियर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, दो तरीके के बोन मैरो पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, रेड बोन मैरो होता है और दूसरा है आपका येलो बोन मैरो। अब चलिए आगे देखते हैं इन दोनों के बारे में। रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड मोस्ट WBC डेवलप्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है, WBC डेवलप्ड इन, या फिर जिसे आप कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये भी आपकी कहाँ बन रही है, सारी चीज़ें आपकी रेड बोन मैरो में बन रही है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड सेल्स होनी चाहिए, यहाँ पर आपका बोन मैरो ये गलत लिख दिया गया है। तो आपका जो RBC होगा, WBC होगा, ये सब कहाँ बन रही है आपकी, आपकी रेड बोन मैरो में बन रही है। और दिया गया है यहाँ पर येलो बोन मैरो, ये क्या है, यहाँ पर कंसिस्ट मेनली ऑफ एडिपोज सेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो एडिपोज सेल्स होंगी, जो फैट्स होंगे, जो ट्राइग्लिसराइड होंगे, वो सब कहाँ स्टोर हो रहे हैं आपके, यू हैव आपका येलो बोन मैरो में आपका स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, व्हिच आर पोटेंशियल केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, ये आपके क्या है, एनर्जी के सोर्स होते हैं जो आपके येलो बोन मैरो हैं। चलिए आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में अब अपन लोग देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन स्ट्रक्चर मे बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग बोन सच एज ह्यूमरस। ए टिपिकल बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ए टिपिकल बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, बोन्स के पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं एक एक करके जितने भी आपके बोन्स के पार्ट हैं। पहले तो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर है आपके बोन्स का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या दिया गया है, आपके यहाँ पर बोन के स्ट्रक्चर का जो आपका पार्ट दिया गया है, जो आपके बोन का पार्ट दिया गया है, तो आपका जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, डायाफाइसिस, जो कि क्या है कि ग्रोइंग पार्ट है आपका, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इट इज़ द बॉडी आर सॉफ्ट ऑफ बोन्स व्हिच इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन, जो कि आपके बोन का क्या होता है, मेन पोर्शन है। ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, आपके बोन का मेन पोर्शन है, जो ये पूरा का पूरा आपका बोन है, इसका ये मेन पोर्शन है। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, एपिफाइसिस, ये क्या है, ये ग्रोइंग ओवर, इसका ग्रो हो चुका है ये। दीज आर द डिस्टल प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बोन, ये बोन का क्या है, प्रॉक्सिमल एंड है, आप बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं, ये आपका प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये आपका कौन सा पार्ट है, आपका एपिफाइसिस हो गया। अब आगे चलिए चलते हैं, मेटाफाइसिस आपका दिया गया है। मेटाफाइसिस क्या है, रीजन बिटवीन द डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो आपका रीजन है वो आपका कौन सा है, वो है आपका मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। एपिफाइसिस और यहाँ पर आपके डायाफाइसिस के बीच का क्या है, ये उसके बीच में पाया जाता है आपका मेटाफाइसिस स्ट्रेंड। ठीक है, तो मेटाफाइसिस के बारे में क्या दिया गया है, दियर आर रीजन्स ऑफ मेच्योर बोन वेयर द डायाफाइसिस ज्वाइंस विथ एपिफाइसिस, जो आपका डायाफाइसिस है वो किससे ज्वाइन हो रहा है, आपका एपिफाइसिस से जहाँ पर ज्वाइन होता है वही आपका क्या है, मेटाफाइसिस है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रोइंग फेज होगा, जब ग्रो हो रही होंगी बोन, इन ग्रोइंग बोन इट सेपरेट्स द एपिफाइजियल प्लेट, तो ये क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एपिफाइजियल प्लेट की तरह ये वर्क कर रहा है। जब आपका एपिफाइसिस का जो पार्ट है जब वो ग्रो हो रहा है, तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका एपिफाइजियल प्लेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलिए चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ अपने चलते हैं। इसके बाद अपना दिया गया है आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके बाद आता है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज आता है। इट इज अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की थिन लेयर है, कवरिंग दैट पार्ट ऑफ एपिफाइसिस वेयर द बोन आर्टिकुलेट विथ अनादर बोन, जहाँ पर एक बोन क्या कर रही है, दूसरे बोन से जुड़ रही है आपके। इट रिड्यूस फ्रिक्शन, ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है एट
फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जो आपकी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, जैसे कि कभी आप कहीं से दूर ऊपर से कूद गए, कहीं पर किसी तरीके से आपको चोट आ रही है, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आपके बोन का जो ये पार्ट है, ये आपका क्या कर रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो है आपका पेरियोस्टियम। इट इज अ टफ शीथ ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द बोन। ये बोन को आपकी क्या कर रही है, सराउंड कर रही है, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है बोन सरफेस, वेयर इज नो कार्टिलेज, जहाँ पर कार्टिलेज नहीं है। इट्स बोन फॉर्मिंग सेल इनेबल्स बोन टू ग्रोइंग इन थिकनेस बट नॉट इन लेंथ। यहाँ पर क्या होगी, जो बोन होंगी आपकी वो लेंथ में नहीं ग्रो होंगी, वो उनकी थिकनेस बढ़ रही है। जो आपकी पेरियोस्टियम है ये कहाँ पर हेल्प कर रहा है, आपके बोन के थिकनेस को बढ़ा रहा है, ना कि लेंथ को। पेरियोस्टियम आल्सो प्रोटेक्ट द बोन एंड सर्व एज एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर लिगामेंट। लिगामेंट के लिए क्या कर रहा है, अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करवा रहा है, और ये क्या कर रहा है, आपका प्रोटेक्ट कर रहा है आपके बोन्स को। एंड टेंडांस, टेंडांस और लिगामेंट दोनों के क्या कर रहा है, आपके पॉइंट जो है अटैचमेंट पॉइंट को क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट पॉइंट की तरह उनको सर्व कर रहा है। इट्स अटैचमेंट टू अंडरलाइंग बोन इज थ्रो परफॉर्मिंग फाइबरस थिक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर कंटेनिंग इन टू द इंट्रा सेलुलर बोन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करवा है। कोई भी आपसे पूछता है, कहीं पर भी क्वेश्चन आपका आ रहा है बोन के पार्ट के बारे में, तो पेरियोस्टियम यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर कि ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका प्रोटेक्ट कर रहा है बोन्स को, और उसके बाद बोन्स की थिकनेस को बढ़ा रहा है, आपके लेंथ में नहीं बढ़ाएगा, आपका थिकनेस को बढ़ाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और लिगामेंट और टेंडांस का अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करवा रहा है, सिंपल, इतना आपको याद है तो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला आपका पार्ट है वो है मेडुलरी कैविटी, इसी को मैरो कैविटी भी बोलते हैं आप लोग। इट इज स्पेस विद इन द डायाफाइसिस, डायाफाइसिस के बीच में स्पेस है, दैट कंटेन्स फैटी एलो बोन मैरो इन एडल्ट्स। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये भी पार्ट हो गया। उसके बाद आता है एंडोस्टियम, आपका आता है थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस द मेडुलरी कैविटी, इट कंटेन्स ए सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर, थिन मेम्ब्रेन है जो कि क्या कर रही, लाइंस कर रही किसको, मेडुलरी कैविटी को। इट कंटेन्स सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अपन लोग पढ़ने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ बोन। अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा, बोन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब अपन लोग टाइप्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है आपका टाइप्स ऑफ बोन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी टिक कर सकते हैं, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे टाइप्स ऑफ बोन पूछा जा सकता है। तो इसको आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, जो आपकी बोन्स होती हैं वो पांच तरीके की आपकी बोन्स होती हैं। ऑल बोन्स ऑफ बॉडी कैन बी क्लासीफाइड इंटू फाइव मेन टाइप्स, और ये किसके अकॉर्डिंग आपका जो बोन है कैसे क्लासीफाई की गई है, शेप के अकॉर्डिंग की गई है, सॉल्ट है, फ्लैट है, इरेगुलर है, तो इसी तरीके से आपकी जो बोन है उनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन सी आपकी बोन्स आती हैं, पांचों तरीके की जो मैंने आपको बोन बताई, फाइव टाइप्स आपकी कौन सी बोन है, लॉन्ग बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, इरेगुलर है, और यहाँ पर आपका सिग्मॉइड है बोन। पहला आपका कौन सा है, लॉन्ग बोन्स हैं। अब लॉन्ग बोन इनका नाम ही है तो लेंथ में ये क्या होंगी, आपकी बड़ी होंगी। दे हैव ग्रेटर लेंथ देन ब्रीद, कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट एंड वेरिएबल नंबर ऑफ एंड स्लाइटली कर्व्ड फॉर स्ट्रेंथ। लॉन्ग बोन्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इन दी डायफाइसिस बट हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू। इनमें स्पॉन्जी बोन टिश्यू होंगे जो कि स्ट्रेंथ आपका प्रोवाइड करवा रहे हैं इन दियर एपिफाइसिस। ठीक है, कौन कौन सी आपकी लॉन्ग बोन होती हैं तो उसको अपन लोग जानते हैं। आपकी फीमर जो है ये क्या है, लॉन्ग बोन हो गई, आप लोग जानते होंगे कि ये आपकी सबसे लंबी बोन होती है फीमर, टीबिया, फिबुला,
ह्यूमरस होगी आर्म बोन जिसको बोलते हैं, आपकी थाई बोन है आपकी फीमर जो कि लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी की, अल्ना एंड रेडियस फोर आर्म की बोन है आपकी, फेलेंजेज होती हैं फिंगर एंड ट्वाइज में आपकी पाई जाती हैं, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग बोन हो गई। अब आगे चलते हैं अपन लोग, शॉर्ट बोन होगा, हाँ शॉर्ट बोन ही है आपका पॉइंट। तो शॉर्ट बोन में कौन कौन सी बोन आती है, सबसे पहले तो कार्पेल आती है और यहाँ पर आपकी टार्सेल आती है जो कि आपके एंकल में होती है और कार्पेल आपके रिस्ट में होती है। दीज आर क्यूबो शेप्ड नियरली इक्वल लेंथ एंड विड्थ, इनकी क्या होगी जो लेंथ होगी और जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी। दे कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू सराउंडिंग बाई ए थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, ठीक है। और जो आपकी एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, आपके रिस्ट में पाई जा रही है और कहाँ पर, एंकल में आपके है। चलिए आगे चलते हैं, फ्लैट बोन है आपका, फ्लैट बोन इसके बाद जो अगला पार्ट है आपके बोन का, ये अभी अपन लोग पार्ट पढ़ रहे हैं कौन कौन से बोन आपके होते हैं, कितने तरह के बोन आपके पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। दे आर जनरली, अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है तो ह्यूमन के बारे में ही पढ़ेंगे, आप कुछ और मत समझिएगा किसी और के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। दे आर जनरली थिन कंपोज ऑफ टू नियरली पैरेलल एंड कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू एंड क्लोजिंग ए थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू। ये आपकी बोन्स कहाँ कहाँ पर, आपकी फ्लैट बोन्स पाई जाएंगी, क्रेनियल बोन्स होंगी, स्टर्नम में आपके पाई जाएंगी ब्रिस्ट बोन जिसको अपन लोग बोलते हैं, और रिप्स में होगा, स्कैपुला में होगा, इन जगहों पे कहाँ कौन सी बोन आपकी पाई जा रही है, फ्लैट बोन्स पाई जा रही है, ठीक है। जब आप लैब में देखेंगे तो वहाँ पर आपको फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर दिखेगा कि आपकी रिप्स वगैरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस कौन तरीके की बोन होती है, आपकी फ्लैट बोन्स होती हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग, वो कौन सी है आपकी इरेगुलर बोन होती हैं, दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप एंड वेरी इन द अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। एग्जाम्पल इसका क्या है, वर्टिब्री है, बैक बोन होती हैं आपकी, फेसियल बोन होती हैं, हिप बोन्स होती हैं, तो यहाँ पर आपकी कौन सी बोन पाई जा रही है, आपकी इरेगुलर बोन्स पाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, सिज्मॉइड आपकी बोन्स हैं, ये कौन कौन सी जगह पे आपकी पाई जा रही हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जो आपकी अगली बोन आती है जो आपकी फिफ्थ और लास्ट टाइप ऑफ बोन है आपकी, वो कौन सी है, सिज्मॉइड बोन है आपकी, बोन लाइक सीस्मस सीड डेवलप इन सर्टेन टेंडांस वेयर दियर एर अ कंसिडरेबल फ्रिक्शन टेंशन एंड फिजिकल स्ट्रेस। ये आपका क्या करें, जहाँ पर फ्रिक्शन है, जहाँ पर टेंशन है एंड फिजिकल जो स्ट्रेस है, वहाँ पर आपकी कौन सी बोन आपकी पाई जा रही है, वहाँ पर आपकी सिज्मॉइड बोन है। सच है जैसे कि पाम में, सोल्स में, यहाँ पर आपकी कौन सी बोन पाई जा रही है, सिज्मॉइड बोन आपकी पाई जा रही है। दे प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम एक्सेसिव वियर्स एंड टीयर्स, ये आपकी एक्सेसिव बियर्स और टीयर्स के लिए आपकी टेंडान को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। टू दे प्रोटेक्ट टेंडान फ्रॉम एक्सेसिव बियर्स एंड टीयर्स, ये आपकी एक्सेसिव बियर्स और टीयर्स के लिए आपकी टेंडान को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। सिज्मॉइड बोन का आपका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर पैटला है, नी कैप्स में आपका होता है, वहाँ पर आपका क्या पाया जा रहा है, आपकी सिज्मॉइड बोन, पैटला ऑफ नी कैप्स, वहाँ पर आपकी कौन सी बोन पाई जाएंगी, आपका सिज्मॉइड बोन पाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक आपका कौन सा है, अगला टॉपिक आपका रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ से आपको नोट्स थोड़ा और अच्छी हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, अगर पिछले इस लेक्चर में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी अगर ओवरराइटिंग हुई है, आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर। नोट्स आपको जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको ये पीडीएफ पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछें, कमेंट में आप लोग वीडियो का फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।